नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप CGPSC या व्यापम से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ, जिसमें आज हम देखेंगे गौड़ जनजाति। दोस्तों, गौड़ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति हैं। गौड़ की उत्पत्ति कोण शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पर्वत। गौड़ स्वयं को कोयतोर कहते हैं जिसका अर्थ है पर्वतवासी मनुष्य। गौड़ छत्तीसगढ़ के मुख्यतः दक्षिण सहित अधिकांश भागों में निवास करते हैं। यह द्रविड़ियन मूल के हैं। दोस्तों, इनकी बोली गोड़ी द्रविड़ियन मूल की है और इन्हें मोटे अनाज से बना पेय पदार्थ पेज इन्हें अत्यधिक प्रिय होता है। गौड़ जो है ज़्यादातर कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं और स्त्रियों में आभूषणों एवं गोदना का अत्यधिक प्रचलन होता है। पीतल, मोती, मूंगा आदि के आभूषण इनमें अधिक प्रचलित होते हैं। गौड़ जो है गढ़ चिन्हों में विभक्त होते हैं। गौड़ समाज जो है पितृवंशी होते हैं, पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय होता है। गौड़ एक विवाही भी होते हैं और बहु विवाह को भी मान्यता देते हैं। गौड़ों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह अधिमान्य होता है जिसे दूध लौटावा कहते हैं। दोस्तों, गौड़ों में विधवा विवाह एवं वधुमूल्य भी प्रचलित है जो चढ़ पठौनी एवं लमसेना विवाह के स्वरूप हैं। दोस्तों, चेचक अथवा कुष्ठ रोग से मरने पर मृतक को दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर दफनाया जाता है और गौड़ों में मृतक संस्कार में गौड़ जो है तीसरे दिन कोजी मनाते हैं तथा दसवें दिन कुंडा मिलन संस्कार होता है। गौड़ों में अतिथि सत्कार का विशेष महत्व है। प्रत्येक मकान में अतिथि के लिए साफ सुथरा और छोटा सा कमरा बनाया जाता है। गौड़ मुख्यतः आकेटन, पशुपालन एवं स्थानांतरित कृषि पर निर्भर थे, किंतु वर्तमान समय में गौड़ प्रायः स्थायी कृषि करने लगे हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त लघु वनोपज संग्रह, पशुपालन, मुर्गी पालन एवं मजदूरी भी इनके आजीविका के साधन हैं। दिल्हा देव इनके प्रमुख देवता हैं। साथ ही साथ बूढ़ा देव, सूरज देव, नारायण देव आदि देवता भी इनके लिए महत्वपूर्ण हैं। बस्तर क्षेत्र में दंतेश्वरी देवी जो है बहुत ही मान्य है और यह जो है इनकी प्रमुख देवी हैं। गौड़ों के पर्वों में निवाखानी, बिदरी बिगपंथी, जवारा, मड़ई, छेड़ता, लारूकाज आदि प्रमुख हैं। गौड़ों में अनेक नृत्य भी प्रचलित हैं जिनमें किरमा, सैला, भड़ौनी, बिरहा, गहरवा, सजनी, सुवा, दीवानी, डेरानी आदि जो है प्रमुख नृत्य जो है इन्हें बहुत प्रिय हैं। घर की दीवारों पर नोहडोरा अलंकरण किया जाता है और गौड़ों की प्रमुख जो है संपर्क बोली है वह है गौड़ी। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।